तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे मल्टी लेयर वेज पफ पैटीज। आप देखिए, लेयर्स देखिए आप, वो भी बिना ओवन के, बिना फ्राई किए हुए। आप इन वेज पफ या पैटीज की क्रिस्पीनेस देखिए, ये एकदम क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। आप देखिए, इसकी टूटने की आवाज से आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्रिस्पी है। आप देखिए, एकदम ये चूर चूर की तरह टूट रही है। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस चीज की आपको गारंटी देती हूं कि आपने ऐसी वेज पैटीज बाजार से भी नहीं कभी खाई होगी। आप अपने हाथों से इसे बनाइए और सभी को खिलाइए और सभी आपकी वाह वाह कर उठेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो को कि हमने ये इतनी टेस्टी क्रिस्पी मल्टी लेयर पैटीज कैसे बनाई है। ना झुकने का शौक, ना झुकाने का शौक, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मल्टी लेयर वेज पफ पैटीज, वो भी बिना ओवन के और बिना उन्हें फ्राई किए हुए। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेज पफ या पैटीज बनाने के लिए मैंने जो डो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है, मैदा लिया है मैंने 1.5 कटोरी, ये सेम साइज की ही कटोरी है, और 1.5 कटोरी में हम डाल रहे हैं 1.5 नॉर्मल स्पून जो खाने का होता है वो कॉर्न स्टार्च। इसकी मेजरमेंट परफेक्ट होगी तो पैटी हमारी परफेक्टली बनेगी। उसके बाद हमें घी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी होनी चाहिए, ना तो वो एकदम से सख्त चाहिए और ना ही बिल्कुल मेल्ट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप ध्यान रखिएगा कि आप बेकिंग पाउडर ही यूज करें, बेकिंग सोडा नहीं। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, या इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। डो को लगाने के लिए पानी चाहिए। तो चलिए करते हैं डो की तैयारी। अब हम एक बड़े बाउल में डालेंगे मैदा, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर, नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून के करीब घी। आपने घी ही यूज करना है, बटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुकिंग ऑयल यूज नहीं करना है। अब हम इसे अच्छे से हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करते हुए एक डो बना लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि हमें डो जो है वो चपाती के डो से थोड़ा सा सख्त चाहिए, हार्ड चाहिए उसे। तो इसलिए जहां पे आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, हल्का हल्का हाथों के साथ पानी डालते हुए ही डो बनाइएगा। तो डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमें डो को लगाए हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मलेंगे। इसको मलने का भी एक मेथड है। आपने एक हाथ से इसे ऐसे पकड़ना है और दूसरे हाथ की तली से इसे ऐसे करके खींचते हुए मलना है। हम जितना अच्छा आटा मलेंगे पैटीज उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। इसे मल गया है, ग्लूटेन इसमें अच्छे से डेवलप हो गया है। अब हम इसे एक ऐसे सिलेंडर की शेप दे देंगे। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे, जितनी हम नॉर्मल परांठे के लिए बनाते हैं। तो इक्वल पोर्शन की हम लोइयां बना लेंगे।
अब हम इन्हें एक एक करके बेल लेंगे, जैसे नॉर्मली हम पराठा या चपाती बनाते हैं वैसे ही। तो आप देखिए कि मैंने इसे एक नॉर्मल चपाती की साइज में बेल लिया है। ऐसे ही मैं सभी लोइयों को बेल लूंगी, सभी चपातियों को ढककर छोड़ दे रहे हैं 10 मिनट के लिए। स्टफिंग के लिए मैंने जो सामग्री ली है वो है बॉइल्ड पोटैटो लिए है मैंने 2, अनियन, पनीर आप चाहिए, हरा धनिया और जिंजर, फ्रोजन मटर लिए है मैंने, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हो, और बेसिक सूखे मसाले जो होते हैं वो लिए हैं, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। पैटीज की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखा हरा धनिया जिसे कि मैंने क्रश कर लिया है। इसका टेस्ट पैटीज में बहुत ही अच्छा आता है। जब ये हल्का सा सीजल हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए 2 पोटैटो। अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर 2 टेबलस्पून के करीब। अब हम इसमें डालेंगे कटा अदरक, आप बाद में डालें तो अच्छा है क्योंकि इसका टेस्ट जरा अच्छा आता है बाद में। इसी के साथ हम डालेंगे अनियन भी मैं बाद में ही डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जहाँ पे ऐड कर देंगे पनीर भी। पनीर के साथ ही मैं ऐड करूंगी सारे सूखे मसाले और हम इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। हमें बेसिकली जो पोटैटो है उनका मॉइस्चर खत्म करना है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1 मैगी मसाला। इसे भी हम अच्छे से बीच में मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग हो गई है हमारी रेडी। अब आप फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपनी पैटी शीट को भी देख लेते हैं, उनका काम कर लेते हैं। अपने वेज पफ को हम मल्टी लेयर देने के लिए एक बाउल में लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्न फ्लावर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी के, आप चाहो तो आप बटर भी यूज कर सकते हो लेकिन कुकिंग ऑयल यूज नहीं करना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें इसे अच्छे से बीट करना है और इसे एक क्रीमी टेक्सचर देना है। बीट करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो इस टाइप का हो गया है, इसमें बहुत फ्लफीनेस आ गई है। अब हम इसे रख देते हैं साइड पे। चपाती बनाई थी उसे एक एक करके हम ऐसे उठा लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने तैयार किया है मिक्सचर, घी और कॉर्न स्टार्च का, कॉर्नफ्लावर का, उसे हम अपने हाथों के साथ ही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, आपने ज़्यादा नहीं यूज करना है, हल्का सा ही डस्ट करना है। फिर से हम एक और चपाती लेंगे जो हमने तैयार की हुई है और उसे इसके ऊपर रख देंगे, आपने अच्छे से इसे इसके ऊपर रख देना है। अगेन हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, कॉर्न स्टार्च और घी का मिक्सचर लेंगे। अब हम अपने लास्ट जो चपाती है हमारी उसे भी इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे ऐसे। तो अब हम अच्छे से अपने सरफेस को ही क्लीन करके उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और ये जो हमने लेयर्ड चपाती बनाई है इसको इसके ऊपर रख के थोड़ा सा इसके ऊपर भी और सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो अच्छे से बेलने के बाद जब इसकी थिकनेस इतनी हो जाए
आप देखिए, तब हम इसके ऊपर अगेन ये जो मिक्सचर हमारा बचा है इसे अच्छे से लगा लेंगे। इसे भी हम अच्छे से हाथों के साथ ही पूरा ये जो हमारी चपाती है बड़ी सी इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसे ऐसे पकड़कर टाइटली, लूज नहीं, बिल्कुल टाइटली आपने इसे रोल कर देना है। और ये जो थोड़ा सा हमारा पोर्शन बच गया है उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी और इसे भी अच्छे से सील कर लेंगे ऐसे। अब हम सरफेस पे ही से थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए फैला लेंगे। तो आप देखिए ये जो हमारा सिलेंडर है ये कितना बड़ा हो गया है। मैं इसे इक्वल पोर्शन में कट करूंगी। तो अब मैं इन्हें इक्वल पोर्शन में कट कर लेती हूं जितनी साइज की हमें पैटीज चाहिए। तो मैंने इन्हें 6 इक्वल पोर्शन में कट कर दिया है। और इसको जो बेलने का तरीका है वो आप ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट इसको ऐसे प्रेस मत कीजिए, आप इसे ऐसे पकड़िए और अपने हाथ की हथेली से इसे ऐसे दबाते हुए आगे को, ऐसे आगे को प्रेस करते हुए इसे फैलाइए। सीधा बिल्कुल नहीं करना है, अगर सीधा करोगे तो वो जब हम उसे बेक करेंगे तो उसके खुलने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं इसे बेल लूंगी। तो हम इसे एक पूड़ी की साइज का बेल लेंगे और बाद में इसको एक स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बाजार की जैसे पैटीज बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे एक स्क्वायर शेप देंगे। साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हो। अब हम इसकी साइड्स पे पानी लगाएंगे। पानी लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें रखेंगे स्टफिंग जो हमने तैयार की है, उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। स्टफिंग को अच्छे से भरने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसे आपने हाथों के साथ ही प्रेस कर देना है ऐसे। ऐसे ही हम सभी पैटीज को फिल कर लेते हैं। तो मैं अपनी पैटीज को बिल्कुल बेकरी की तरह बना रही हूँ और मैं इन्हें कर रही हूँ बेक, वो भी कुकर में। आप चाहो तो आप इसे ऑयल में फ्राई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर, उसमें डालेंगे हम आधा किलो साल्ट। तो मैंने जहाँ पे लिया हुआ है इडली कुकर, आप नॉर्मल कुकर भी ले सकते हो, लेकिन उसकी आपको रबड़ और विसल ऊपर से निकालनी होगी। अब नमक डालने के बाद आप ऊपर रख रही हूँ कटोरी, इसे हम ऐसे रख लेंगे और इसे हम गर्म कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं इस टाइप का कोई बर्तन लूंगी, इसे हम कर लेंगे अच्छे से ग्रीस घी के साथ ही। अब हम इसमें रखेंगे पैटीज। इसके ऊपर भी हम अच्छे से घी लगा देंगे। तो कुकर हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब हम इसमें रखेंगे ये प्लेट, आपने ध्यान से रखनी है क्योंकि कुकर गर्म है। इसे हम एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम इसे ढक कर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे। बेक करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे टर्न कर देंगे दूसरी साइड पे भी। आप देखिए कि कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। तो इसे टर्न करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे ही। तो हमें 10 मिनट हो गए हैं इसे टर्न किए हुए। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इनकी क्या कंडीशन है। तो 10 मिनट बेक करने के बाद आप देखिए कि इसका कितना सुंदर कलर आ गया है। ये एकदम परफेक्ट पैटीज बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी वेज पफ बनकर हो गए हैं रेडी। इनकी आप लेयर देखिए, इनकी लेयर से आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो कि जी आपने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। सच में जब आप इसे बनाकर किसी को खिलाओगे तो कोई नहीं यकीन करेगा कि जी आपने खुद बनाए हैं। वो सभी हैरान हो जाएंगे कि इतनी लेयर और इतनी क्रिस्पीनेस आई कहां से इसमें। और इसमें हमने ऑयल या घी भी बहुत ही ज्यादा कम यूज किया है, तो इसलिए ये है भी थोड़ी हेल्दी ही। तो प्लीज आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी वेज पफ एंजॉय करिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।